जैसा कि आजकल सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट फिर से स्कूल्स को रीओपन करने के मूड में है, बट एज ए मदर मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज एज वी नो कि कोरोना की वैक्सीन अब तक नहीं आई है और छोटे बच्चे हैं, मास्क भी ज़्यादा देर नहीं पहन सकते और सारे प्रिकॉशंस का ध्यान भी नहीं रख सकते, तो हम नहीं सोच सकते कि हमारा बच्चा बाहर जाके अकेले सिक्योर है या नहीं है। कोरोना अभी चल रहा है तो हाँ, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी? नहीं भेजेंगे, कब तक नहीं भेजेंगी? थर्सडे नहीं भेजेंगे, तो ये चला गया तुम। अच्छा, हाँ जी मैम, बताइए कि जैसे कि स्कूल खोलने के लिए स्टूडेंट्स को क्लास में बुलाने के लिए बातचीत हो रही है, जी तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को के लिए क्लासरूम खोलना चाहिए अभी? इस वक्त जैसे कि सेकेंड वेव आई हुई है और सभी जगह कोरोना के इतने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी इस समय में बच्चों की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। जब हम इतना 8 महीने से बच्चों को घर में बिठाकर बैठे हुए हैं, तो इस समय जबकि सेकेंड वेव चल रही है, तो इस समय स्कूल खोलने का मुझे तो बिल्कुल कोई औचित्य नहीं समझ में आता। जब ये सेकेंड वेव कंट्रोल में आ जाए और माहौल थोड़ा ठीक लगे, स्कूल तभी खोले जाने चाहिए। अगर स्कूल खुलते हैं जी, तो किन प्रिकॉशंस के साथ स्कूल खुलने चाहिए? ये 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, ये तो अपने को फॉलो करना ही करना है। अब क्लास में बच्चों से कैसे फॉलो कराएंगे 2 गज की दूरी, ये टीचर्स को देखना पड़ेगा कि बच्चे बहुत पास पास ना बैठें और मास्क पहन के रहें। और इसके अलावा बच्चे स्कूलों में खाना पीना भी आपस में शेयर करते हैं और बच्चे तो खेलते हैं आपस में, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। कोरोना से अगर बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क के अलावा और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रख के हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं? एक दूसरे की चीज़ों को हाथ ना लगाएं, जहाँ तक हो सके छुएं नहीं चीज़ों को, और अगर चीज़ें फिर भी जाने अनजाने छुई ही जाती हैं, तो बार बार जो हम लोगों को चेहरे पर आँखों में नाक में हाथ लगाने की आदत होती है, उस आदत से बचें। हाथों को बीच में बार बार धोते रहें, साफ़ करते रहें, और एक दूसरे से खाना शेयर ना करें, अलग अलग रहें, कोशिश करें जितना हो सके अलग अलग रहें। और वैन वगैरह में भी बच्चों को थोड़ा दूर दूर, या तो पेरेंट्स खुद ही बच्चों को छोड़ने जाएं, वैन्स में ना भेजें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, इन बातों का मेरे ख्याल से ध्यान रखना जरूरी है। और जितनी भी सारी आपने बातें बताई हैं और उनको जो है अमल में लाना बहुत ही मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो उस हिसाब से देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस का बहुत सही चल रहा है, बस ये है कि थोड़ा पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान दें। कई बार ये देखा गया है कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ऑन कर ली, लेकिन वो उसके सामने बैठ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, खाली ऑन करके इधर उधर कहीं खेल कूद रहे हैं, ऐसे करके बच्चों का अपना ही नुकसान हो रहा है। तो अगर सिंसियरली बच्चे उन क्लासेस को अटेंड करें तो बच्चों का काफ़ी फायदा हो सकता है, कोरोना से बच सकते हैं और साल खराब होने से बच सकता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु मित्तल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट SNMC आगरा। एज पर द कॉलेज गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स आवर कॉलेज हैज बीन रीओपन्ड। टू रिजॉइन द क्लासेस वी वर आस्क्ड टू ब्रिंग सम डॉक्यूमेंट्स व्हिच इंक्लूडेड 1 आवर RT-PCR COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट, पेरेंट्स कंसेंट एंड एन एफिडेविट। Only after submitting these documents we could rejoin the class. In the classes also we are asked to maintain social distancing. So what we do, we skip 2 seats in between so that a distance of 6 feet is maintained always. We are always asked to keep our masks on and keep a pocket sanitizer with us so that if we touch any contaminated surface or any other surface we can sanitize our hands. Mask, sanitizer or दूरी बना के कॉलेज जा क्लास में जा रहे हैं, और टीचर ने बोला है जिसको खांसी जुकाम फीवर आए वो क्लास में एंट्री ना करे, अपने घर बैठे। बिफोर दिस पेंडेमिक व्हाट यूज्ड टू हैपन विद बॉयज, क्या होता था कि हम लोग देर से सोते थे, देर से उठते थे, फिर सुबह एकदम हसल में रहते थे क्लास ज्वाइन करने की, अटेंडेंस लेने की। तो होता क्या था कि हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते, लेकिन आफ्टर दिस पेंडेमिक दिस हैबिट वी हैव चेंज दिस हैबिट। अब हम सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी इम्यूनिटी बूस्टेड रहे, ब्रेकफास्ट अपना टाइम से लेते हैं, लंच टाइम से लेते हैं, सीजनल फ्रूट्स लेते हैं। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वह है कि बच्चों को अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, उन्हें अपने भोजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि उन्हें शाक सब्जी फल
और अच्छे भोजन पे तवज्जो देनी है ताकि जो है उनके शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि समय के साथ साथ तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस और महामारियां दुनिया में आएंगी और आपके शरीर को उनसे लड़ने की ताकत होनी चाहिए, तभी आप इस जीवन में सर्वाइव कर पाएंगे। और इसके अलावा स्कूलों में जो जंक फूड मिलता है, आसपास जो बाहर का बना हुआ खाना मिलता है, उसको अवॉइड करें। अगर आपका मन करता भी है इन चीज़ों खाने का तो आप घर पे ही बनवाएं। बहुत सही कहा सुमन तुमने। इसके अलावा बच्चे बाहर का खाना अवॉइड करें और ख़ास तौर से मैदा से बनी चीज़ें ये अवॉइड करनी चाहिए, तली भुनी चीज़ें। बाहर जो तली भुनी चीज़ें मिल रही हैं वो एक ही तेल को बार 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 यूज़ करते रहते हैं, जिससे कि उसके अंदर बहुत ही खराब तत्व पैदा हो जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों को हमें ये आदत डालनी पड़ेगी कि थोड़ा सा संतुलित भोजन करें और घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और हमारा शरीर एक स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले शरीर की तरह डेवलप होगा। अच्छे भोजन के साथ साथ अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपका खेलना कूदना, खुली हवा में रहना और हमेशा खुश रहना, हंसते हंसाते रहना भी जरूरी है। अतः अपने आप को स्वस्थ रखने के तरीके ढूंढिए और खूब स्वस्थ और खुश रहिए। कितनी सुंदर बातें कही सुमन तुमने, मजा आ गया। थैंक यू।